अरे ठीक है लो, सब बच्चे ही जुड़े हैं, कोई और नहीं जुड़ा है। छोड़ दीजिए आप, आया बेटा, बस हो गया, जाइए। आया दिख रहे हैं, क्यों? अरे भाई उसको थोड़ा सा प्रेस करो, थोड़ा सही दिख रहा है, धुली धुली दिख रही जी सर, और थोड़ा पीछे कर। अरे सुनो तो वो देखो पहले, आ गया बेटा, आ गया, दिखाओ। अरे वो उधर ठीक है, ओके स्टार्ट करिए। ठीक सही आ गया संदीप कुमार, ठीक जी, आ गया जी, आ गया, चलिए बैठ जाइए, बैठ जाइए, सारे बच्चे बेटा शांत, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। जैसा कि मैंने आपको आज बताया था कि आज से हम सेकंड पार्ट फिजिक्स पढ़ेंगे, और उसमें हमारे क्लास के बच्चे और अदर जो भी जुड़े हों उनको बहुत बहुत वेलकम, और हमारे यूट्यूब चैनल की सब वन स्टडी में उनका वेलकम। आज से हम सेकंड फिजिक्स के बारे में एकदम डिटेल वाइज पढ़ेंगे। जो बच्चे गांव और जहां जहाँ अपने शहरों में जो लाइव देख रहे हैं, एकदम सही से जो भी प्रॉब्लम हो हमें शेयर करिएगा, कहां पर क्या दिक्कतें हैं आपको, कमेंट करते रहिएगा, आपके कमेंट के आंसर भी मिलेंगे, समय जैसे मिलेगा हम बताएंगे। टाइम वैसे भी ज़्यादा हो गया है, अब स्टार्ट करते हैं। प्रकाश की पढ़ते हैं बेटा, ऑप्टिक्स क्या पढ़ना है, ऑप्टिक्स, ठीक। तो देखिए ऑप्टिक्स होता क्या है, व्हाट इज दिस ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी बेटा। ऑप्टिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, प्रकाशिकी, क्या बोलते हैं, प्रकाशिकी। अब प्रकाशिकी क्या है, देखिए ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स बेटा स्टडी ऑफ लाइट, दैट्स मीन बेटा प्रकाश का अध्ययन करना प्रकाशिकी कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश का अध्ययन करना प्रकाशिकी कहलाता है, प्रकाश का अध्ययन करना प्रकाशिकी कहलाता है, प्रकाशिकी कहलाता है। अब इसमें एक वर्ड आया है प्रकाश, लाइट, कौन सा वर्ड आया है, लाइट। लाइट क्या है बेटा, लाइट लाइट की डिफिनेशन क्या होगी, कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। लेकिन अब इस परिभाषा को आपको नहीं बताना, एक लाइट की बहुत यूनिक और एकदम कॉन्सेप्चुअल आपकी एक डिफिनीशन है लाइट के बारे में। लाइट बेटा एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग होता है, जिसकी सहायता से हम आसानी से वस्तुओं को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय क्या है, स्पेक्ट्रम है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का क्या है, स्पेक्ट्रम है, जिसकी सहायता से हम आसानी से वस्तुओं को देख पाते हैं। तो परिभाषा लाइट में देख लीजिए बेटा, प्रकाश लिख रहे हैं सभी लोग, लिखते जाइएगा, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम जिसकी सहायता से हम आसानी से
आसानी से वस्तुओं को देख पाते हैं। उसे प्रकाश कहते हैं। ये परिभाषा हो, परिभाषा सभी लोग लिख लीजिएगा। प्रकाश एक प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम होता है, जिसकी सहायता से हम आसानी से वस्तुओं को देख पाते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये क्या है? आपको पढ़ाया गया होगा इलेवेंथ में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। इसकी इस स्पेक्ट्रम के अंतर्गत कई तरंगें आती हैं। देखिए सभी लोग देख लीजिएगा, सबसे पहली तरंग बेटा गामा रे। गामा इसे बेटा कहते हैं गामा रे। फिर इसके बाद आती है बेटा एक्सरे। गामा रे इसके बाद आती है बेटा एक्सरे। फिर आती है अल्ट्रा रे। फिर इसके बाद है विजुअल रे। इंफ्रारे। माइक्रोवेव। और एक यहां पर हम लिख दे रहे हैं रेडियो रे। ये सभी जो आपकी किरणें हैं, ये सभी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अंतर्गत आते हैं। ये जितनी भी बेटा किरणें हैं आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगों स्पेक्ट्रम के अंतर्गत आती हैं। अब यहां पर देखिए, आप पहले नोट कर लीजिए। आपको इसे मिटा दे, बड़े मिटा दे। देखिए बेटा, हमने यहां पर किरणें लिखी हैं। गामा किरण, दूसरी एक्स किरण, तीसरी बेटा परा बैंगनी किरण। दृश्य किरण। फिर औरक किरणें, सूक्ष्म किरणें, ये है रेडियो किरण। ये सारी आपकी वेव हैं। कहीं रेडी बन जाती है। देखिए बेटा, इसमें गामा किरण को हम नहीं देख पाते हैं, ना एक्स किरण को देख पाते हैं, ना पराबैंगनी किरण को देख पाते हैं, ना औरक को देख पाते हैं, ना सूक्ष्म किरण को देख पाते हैं, ना रेडियो। ओनली बेटा हम इस किरण को विजुअल कर पाते हैं, देख पाते हैं। दस किरण के अंतर्गत बेटा सात रंग आते हैं। उनको हमने हाई स्कूल में पढ़ा था, जिन्हें कहते हैं विद्युत। ये किरण है
बैगनी आसमानी नीला हरा पीला नारंगी लाल, इन किरणों को हम इस स्पेक्ट्रम के अंतर्गत देख पाते हैं कि जो आपके ये सब हैं आपके डिप्योर बैगनी आसमानी ब्लू हरा पीला नारंगी रेड वगैरह। अब देखिए बेटा, इस तरंग की इस किरण की बेटा वेवलेंथ होती है, इसकी वेवलेंथ बेटा 3900 से 7800 तक होती है, कई कई किताबों में 4000 से 8000 तक होती है। न्यू बुक में बेटा देखिएगा तो ये होगी चेंज हो गई, पहले एक किताब में थी अभी ये हो गई 4000 से 8000, ये भी कहने का मतलब ये जब ये सारी किरणें नहीं दिख रही हैं केवल हम इन किरणों को देख पाते हैं, यही बेटा प्रकाश है। क्या है प्रकाश? तो इसकी वेवलेंथ को देखकर एक डिफिनेशन बनती है, और ये जो बेटा स्पेक्ट्रम है पूरा, ये जो आपका स्पेक्ट्रम है ना, इस स्पेक्ट्रम को बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम, ये स्पेक्ट्रम है। इस स्पेक्ट्रम के अंतर्गत हमें केवल बेटा 10 किरणें हम देख पाते हैं, 10 किरणों के द्वारा ही हम हर वस्तु को क्या कर पाते हैं देख पाते हैं, एक नई परिभाषा बनती है इसी वेवलेंथ को देखकर। जो बेटा प्रकाश होती है ना, प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है, और इन्हीं तरंग के कारण हम वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पर, हम लिख रहे लिख लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट परिभाषा है, कंपटीशन लेवल की है, लिख लीजिएगा प्रकाश, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच, जिसकी तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती, और इन्हीं अरे मैं लिखूंगा और इन्हीं तरंग दैर्ध्य के कारण हम वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। ये डिफिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा एक बार और। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है, और इन्हीं तरंग दैर्ध्य के कारण हम वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। ये बेटा लाइट की डिफिनीशन है, आप इस डिफिनीशन को तुल्थ में लिख सकते हैं, एक्यूरेट डिफिनीशन है आपकी, और भी हैं कई, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसे संचरित होने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना माध्यम के गमन कर सकती है। लिख लीजिए सभी लोग,
इसे ज़रूर बना लीजिएगा। ये इसमें बेटा और कुछ पॉइंट है, देखो हम बता दे रहे हैं। इसमें कुछ पॉइंट ये है कि जब बेटा गामा किरण से रेडियो किरण की ओर जब जाते हैं तो बेटा इनकी जो वेव लेंथ होती है बढ़ती है। कहने का मतलब यदि वेव लेंथ बढ़ रही है तो ये इससे बड़ी इसकी वेव लेंथ, 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 इससे बड़ी इसकी वेव लेंथ। एक पॉइंट बन जाता है कि रेडियो तरंग या रेडियो किरण किरणों की जो वेव लेंथ होती है मैक्सिमम होती है। क्या होती है बेटा? मैक्सिमम। और गामा किरण की जो वेव लेंथ होती है बेटा मिनिमम होती है। क्या होती है? मिनिमम। लिम्डा मैक्सिमम किस किरण की? रेडियो की। लिम्डा मिनिमम किस किरण की? गामा किरण की। जस्ट अपोजिट बेटा, लिम्डा प्रोपोर्शनल वन अपॉन न्यू होता है, न्यू को बेटा आवृत्ति बोलते हैं, लिम्डा बेटा तरंग दैर्ध्य होती है। कहने का मतलब ये कि यदि बेटा लिम्डा मैक्सिमम हो रहा है तो न्यू वहां पर उस राशि के लिए क्या होगा? मिनिमम होगा। यदि बेटा लिम्डा मिनिमम हो रहा है तो वहां पर न्यू बेटा मैक्सिमम होगा। इनको देखते हुए देखिए, तो लेमडा जो मैक्सिमम है किस तरंग का है? रेडियो का। तो रेडियो तरंग की या रेडियो किरण की वेवलेंथ यदि मैक्सिमम है तो रेडियो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? मिनिमम। रेडियो तरंग की आवृत्ति क्या होगी बेटा? मिनिमम, सबसे कम। यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, रेडियो तरंग की आवृत्ति सबसे कम होती है, कम होती है। ये आपको हमने लिखा दिया कि रेडियो की वेवलेंथ ज्यादा तो बेटा फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम। अब यहां पर गामा किरण की वेवलेंथ क्या होती है? कम सबसे। तो जब गामा किरण की वेवलेंथ जब कम होगी तो बेटा इसकी जो आवृत्ति होगी सबसे अधिक। तो लिख लीजिए यहां पर गामा किरणों की आवृत्ति, गामा किरणों की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काम आएगा। ठीक है, लगाने के लिए बैठा। ठीक, बताइएगा बेटा जो समझ में आए कमेंट कर दीजिएगा। आज थोड़ा सा समस्या हो गई थी, कल से आपको सही टाइम से वीडियो आएंगे, प्रयास करेंगे कि और अच्छा बने। पहला दिन था, बोला भी था आप लोगों को कि आज लाइव आना है। जो बच्चे जुड़े हैं, कितने लोग जुड़े? 10-8। चलिए ठीक, अच्छी बात है। ठीक, कोई नहीं, धीरे धीरे होगा। देख लीजिए बेटा, नोट कर लीजिए सभी लोग।
नोट हो गया बेटा, कमेंट करते जाइएगा, नोट हो जाए तो यस करते जाइएगा। जितेन आवाज़ आ रही सही? समझ में आया बेटा? जी सर। क्यों? चलो चले नेक्स्ट पढ़ते हैं उसी के आगे थोड़ा सा। ये तो भाई क्लिप वाला सिस्टम बड़ा कर लेंगे, मिटाएं इसको। चल और जिस और जिन स्टूडेंटों का मतलब छूट जाए ये क्वेश्चन वगैरह जो आप देख रहे हैं तो वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप देख सकते हैं रिपीट करके। चलिए आगे पढ़ते हैं। सीखे आगे हमने अभी बात की थी बेटा न्यू वन अपॉन न्यू, ये मतलब लेमडा प्रोपोर्शनल वन अपॉन न्यू, ये कॉन्सेप्ट होता है कि बेटा वेव लेंथ को बढ़ाया जाएगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपकी, घटेगी। यहीं पर जब हम एक कॉन्सेप्ट है आपका E बराबर बेटा H न्यू, ये आवृत्ति है, ये प्लांक नियतांक है, ये ऊर्जा है। यहां पर गौर देखिए, ये कांस्टेंट वैल्यू है। यदि बेटा इस कांस्टेंट वैल्यू को हम हटा देंगे, जब इसको हटाएंगे तो बराबर भी रिमूव हो जाएगा और बेटा E प्रोपोर्शनल न्यू आएगा। इसका मतलब ये कि यदि आवृत्ति बढ़ रही है तो एनर्जी भी बेटा क्या होगी, बढ़ेगी। यदि आवृत्ति बढ़ रही है तो एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। कहने का मतलब तो आवृत्ति किस तरंग की ज़्यादा थी, गामा तरंग की। कहीं गामा तरंग लिखा है, कहीं गामा किरण लिखा है, कहीं तो ये सब एक ही माने जाते हैं, हर का पोजीशन कहीं ना कहीं अलग अलग होता है। तो देखिए, तो गामा तरंग की जो आवृत्ति है सबसे मैक्सिमम होती है और बेटा इसकी एनर्जी भी क्या होती है, सबसे मैक्सिमम होती है। क्या जी कर करूं उन दीवानों की दीवानगी का जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिस दौर में लोग अपनों के लिए जिया करते थे उसमें वो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। बहुत सही भैया, आदर्श पाठक जी, वेरी गुड बेटा। चलिए सपोर्ट करते रहिए, धीरे धीरे होगा। आज तो बेटा फर्स्ट टाइम है, आप भी जानते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए एनर्जी बेटा, जो एनर्जी है ना, एनर्जी ये गामा तरंग की जो एनर्जी होगी ये भी मैक्सिमम होगी, क्योंकि बेटा रिलेशन बिटवीन टू प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ई प्रोपोर्शनल वी, और बेटा इसका व्युत्क्रमानुपाती लेमडा बन जाएगा। मतलब जहां पर बेटा एनर्जी मैक्सिमम होगी वहां पर बेटा न्यू भी हमारा मैक्सिमम होगा, बट बेटा लेमडा हमारा मिनिमम हो जाएगा। दिस कॉन्सेप्ट ई न्यू एंड लेस, कॉन्सेप्ट क्लियर? गामा तरंग, गामा किरणें, ये बेटा कॉन्सेप्ट आपको कंपटीशन में भी आ सकता है, आपके कंपटीशन में भी, जैसे एयरफोर्स वगैरह में, एयरफोर्स में है, एनडीए में भी है और नेवी में भी है, और आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी BHU इस जैसे कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बोल लेते हैं कभी कभी कि बताइए किस तरंग की ऊर्जा सबसे अधिकतम होती है, तो आप लगा दीजिएगा, देखिएगा कॉन्सेप्ट, गामा तरंग की ऊर्जा सबसे ज़्यादा, आवृत्ति सबसे ज़्यादा और बेटा वेवलेंथ सबसे कम। जस्ट अपोजिट बात अब करते हैं रेडियो तरंग की, रेडियो तरंग की। इसमें बेटा यदि यहाँ पर गामा तरंग की एनर्जी मैक्सिमम है तो बेटा यहाँ पर यदि गामा तरंग की एनर्जी मैक्सिमम है और न्यू यहाँ पर मैक्सिमम है
और लेमडा मिनिमम है। तो आपको पता है कि बेटा लेमडा रेडियो तरंग का मैक्सिमम होता है, जब ये मैक्सिमम है इसका अपोजिट है तो ये सारी वैल्यू भी अपोजिट हो जाएंगी। न्यू भी बेटा मिनिमम होगा, यहाँ मैक्सिमम है तो मिनिमम, यहाँ एनर्जी भी क्या हो जाएगी मिनिमम। कहने का मतलब एनर्जी किस तरंग की सबसे कम होगी, रेडियो तरंग की। ओके बेटा ये क्लियर, इसे नोट कर लीजिए, ये भी कॉन्सेप्ट है, ये भी न्यूमेरिकल का है। कहीं कहीं न्यूमेरिकल भी बोल लेता है बढ़ाएगा छोटे छोटे पॉइंट में कौन बढ़ेगा कौन घटेगा। चौदह लोग लाइक लाइव हैं और लाइक सिर्फ सात, ये गलत बात है बेटा, सभी लोग लाइक करें, लाइक कर दिया करो भाई, फ्री की चीज़ है, फ्री में देने में क्या मज़ा। चलिए हो गया, लाओ उसको थोड़ा सा, बड़ा दिक्कत है भाई। चलिए चलिए ठीक है, ये नोट हो गया भैया, क्यों जीतें ये बेटा नोट हुआ, उसमें देख रहे हो क्या, दिख रहा है, आवाज़ आ रही है, सब आवाज़ आ रही, सब साफ आ रही है ना, ठीक सर। चलिए अब एक, अब इसमें बेटा एक कॉन्सेप्ट है, देखिए हमने आपको बताया था विबग्योर, देखिए विबग्योर की चर्चा करते हैं, बहुत ध्यान देखिएगा, विबग्योर इसे बेटा वायलेट बैंगनी बैगनी, ये बेटा आसमानी, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, येलो बेटा पीला, ओ नारंगी, रेड लाल, ये सभी रंग हैं आपके, जो बेटा हमने 10 में पढ़ा था, आपने भी पढ़ा हमने भी पढ़ा, इसके पूरे समूह को बेटा हम बोलते हैं वर्ण विक्षेपण, वर्ण बेटा विक्षेपण। अब देखिए इसमें कितने क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन के, कंपटीशन का भी अभी क्वेश्चन इसमें बहुत आते हैं। इसकी जो थ्योरी होती है कहते हैं कि जब कोई, ये यहाँ नीचे नहीं दिखेगा, कहते हैं कि जब कोई श्वेत प्रकाश, जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के बाद अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, यह घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। ठीक बेटा, अब बात करते हैं इसमें जो सात रंगों में जो रंग बट रहे हैं, जो रंग बट रहे हैं इसका सीक्वेंस होता है बेटा इस प्रकार, ये वायलेट रंग है, बैगनी है, ये आसमानी है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये पीला है, ये नारंगी है, ये लाल है। अभी अभी हमने आपको बताया अभी बेटा हमने जस्ट बताया कि VIV विबग्योर ये जितने भी आते हैं बेटा दृश्य तरंग के अंतर्गत आते हैं, और इसके बगल में जो तरंग थी ये अवरक्त थी, और ये बेटा पराबैंगनी थी, पराबैंगनी तरंगे, पराबैंगनी तरंगे और अवरक्त तरंगे, अवरक्त तरंगे। हमने बताया था कि लेफ्ट टू राइट जाने पर लेमडा का मान बढ़ता है, न्यू का मान घटता है, और एनर्जी भी क्या होती है, घटती है। तो देखिए
गौर करिए इस वाले कॉन्सेप्ट में, विबिग्यूल, पहले कौन आया? वी आया, आई आया, बी आया, जी आया, वाई आया, ओ आया और आर आया। तो देखिए इसमें बेटा क्या बताना चाहता हूँ, इस देखिए बेटा, बैगनी से लाल की ओर यदि लेमडा बढ़ रहा है आपका, यदि हम इतना केवल कॉन्सेप्ट देखें बैगनी से लाल तक के लिए, तो कहने का मतलब बेटा जो लेमडा की जो वैल्यू ज़्यादा होगी तो लाल के लिए होगी, क्योंकि भाई बढ़ रहा है यदि इतने, ये तो वैसे भी बढ़ रहा है। अब यदि हम इस पर आते हैं तब भी तो बढ़ रहा है, इसके अंतर्गत देखेंगे तो इस लाइन में ऐसे करेंगे तो ये भी बढ़ रही है तरंग दैर्ध्य। तो बेटा जो लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य है हमारी, लाल रंग की मैक्सिमम होगी। रंगों की बात की जाए तो किस रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा? लाल रंग की। अब बेटा कम फी किसकी हो जाएगी? बैगनी की। किसकी होगी भाई? ये बढ़ रहा है, ये वेवलेंथ बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये छोटा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा। तो बेटा लेमडा मिनिमम होगा किस रंग के लिए? बैगनी रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए लेमडा मिनिमम बैगनी रंग के लिए, लेमडा मैक्सिमम लाल रंग के लिए। इसी प्रकार बेटा एनर्जी, भाई लेमडा के बढ़ने पर एनर्जी लॉस हो रही है और बेटा न्यू भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है, लेस हो रहे हैं दोनों। तो इसका मतलब ये हुआ कि आवृत्ति क्या होगी लाल रंग की? सबसे कम। रंगों की बात की जाए तो किस रंग की आवृत्ति कम बेटा? सबसे लाल रंग की। और आवृत्ति भी ज़्यादा किस रंग की? किस रंग की आवृत्ति ज़्यादा बेटा? बैगनी रंग की। किस रंग की? बैगनी रंग की आवृत्ति सबसे क्या होगी? ज़्यादा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर वेवलेंथ बढ़ रही है तो आवृत्ति क्या होगी? घटेगी, और एनर्जी भी क्या होगी? घटेगी। तो यदि घटने का मतलब ये हुआ कि कम होती जाएगी, तो यहाँ पर वायलेट में जब होगा, वायलेट से ये कम, ये और कम, ये और कम, ये और कम, इस मतलब सब ज़्यादा किसकी रही होगी? बैगनी की आवृत्ति क्या है? ज़्यादा। फिर बेटा जिस तरह भी है आवृत्ति करेगा उसी तरह बेटा एनर्जी भी होगी। एनर्जी मैक्सिमम किस रंग की? बैगनी रंग की। और बेटा एनर्जी मिनिमम किस रंग की? लाल रंग की। ये सब कम्पिटेटिव वाले क्वेश्चन है, कर लीजिएगा, आपके थोड़ा सिलेबस से बाहर भी है, बट ट्रायल एंड देख लीजिए आप लोग, सभी लोग कर लीजिए, नोट कर लीजिए भाई, करिए नोट, जो दिक्कत आए बताइएगा। पहला पहला दिन है, ट्राई कर रहे हैं। आदर्श पाठक समझा रहा है बेटा? है कि लाइव पे चलेंगे? कौन कौन है? आदर्श पाठक, कृष्ण कुमार, मोटी, ये कौन? मोटिवेशन किंग, कौन से मोटिवेशन किंग? संजीव कुमार, संजीव कुमार, कृष्ण कुमार, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, संजीव कुमार नीलेश है। और बस हो गया ख़त्म, सब हो गया, बस ख़त्म। कितनी लाइव देखो, ठीक, देखिए चलो, नोट हो गया बेटा, चलो नेक्स्ट अगला करते हैं। देखिए देखिए अब यहाँ पर बेटा बात करते हैं, हम लोग प्रकाश की बात कर रहे थे, अब यहाँ पर बेटा प्रकाशिकी की ब्रांच पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होता है? ऑप्टिक्स हमने आपको बताया था, स्टडी ऑफ लाइट दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिक्स, प्रकाश का अध्ययन करना प्रकाशिकी कहलाता है। हमने प्रकाश के बारे में बताया कि बेटा जो प्रकाश होता है वह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। इन्हीं तरंग दैर्ध्य के कारण हमें वस्तुएं आसानी से दिखाई देती हैं। दूसरी परिभाषा हाई स्कूल के हिसाब से मानी जाती है, कही जाती है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है
जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी माध्यम के गमन करती है। ये सब परिभाषाएं हैं, बट ये आप इंगस्टान वाली परिभाषा को ज़्यादा प्रीफर करिएगा, बेटर रहेगा। अब यहाँ पर देखिए ब्रांच पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स की ब्रांच। देखिए बेटा ब्रांच, ऑप्टिक्स को बेटा दो ब्रांचों में बांटा गया है, देख लीजिए। ऑप्टिक्स को दो ब्रांचों में बांटा गया है, नंबर एक जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसी के अंतर्गत बेटा हमारी रे ऑप्टिक्स आती है, रे ऑप्टिक्स के नाम से भी इसी को जाना जाता है। सेकेंड बेटा फिजिकल ऑप्टिक्स दो भागों में बांटी गई है बेटा, फिजिकल ऑप्टिक्स दो भागों में बांटी गई है। नंबर एक बेटा वेव ऑप्टिक्स, नंबर दूसरा बेटा क्वांटम ऑप्टिक्स। हाँ बेटा क्वांटम ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स क्या होती है, क्वांटम ऑप्टिक्स क्या होती है, और जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या होती है। तो देखिए इसे बेटा प्रकाश की बोलते हैं, पता ही है, रे ऑप्टिक्स जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसे बेटा किरण प्रकाश की बोलते हैं, किरण प्रकाश की। इसे बेटा तरंग प्रकाश की कहते हैं, तरंग प्रकाश की। इसे बेटा क्वांटम प्रकाश की बोलते हैं, क्वांटम प्रकाश की, क्वांटम प्रकाश की। फिजिकल ऑप्टिक्स भौतिकी प्रकाश की। इसे बेटा बोलते हैं ज्यामिति प्रकाश की। ये होता है, लिख लीजिएगा, ज्यामिति प्रकाश की, किरण प्रकाश की, तरंग प्रकाश की, क्वांटम प्रकाश की, भौतिकी प्रकाश की। जो हमें पढ़ना है बेटा किरण प्रकाश की, तरंग प्रकाश की और क्वांटम प्रकाश की। हमारे सिलेबस में किरण प्रकाश की बारे में पढ़ना है, इसके भी बारे में ये बता रही है। आप बना लीजिए ब्रांच, फिर हम बताते हैं डिटेल से वन बाई वन क्या होता है किरण प्रकाश की। बना लीजिए, यहाँ दिख रहा है, ठीक, चलो मिटाएं इसको। चलिए भाई जितेन, समझ में आ रहा है, सही बताओ। देखिए बेटा रे ऑप्टिक्स किसे कहते हैं, रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाश की क्या होती है, किरण प्रकाश की। देखो किरण प्रकाश की किसे कहते हैं बेटा, किरण प्रकाश की, प्रकाश की वह शाखा है, किरण प्रकाश की की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश को किरणों के माध्यम से पढ़ते हैं। किरण प्रकाश की वह शाखा है जिसमें प्रकाश को हम किरणों के माध्यम से पढ़ते हैं या किरणों के माध्यम से अध्ययन करते हैं, उसे किरण प्रकाश की कहते हैं। लिख दे रहे हैं हम, देख लीजिएगा किरण प्रकाश की परिभाषा।
किरण प्रकाश की, किरण प्रकाश की यहां पर बेटा ये भी बोल सकते हैं किरण प्रकाश की भौतिक विज्ञान की, किरण प्रकाश की भौतिक विज्ञान की, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश को, जिसके अंतर्गत हम प्रकाश को किरणों के माध्यम से अध्ययन करते हैं, किरणों के माध्यम से अध्ययन करते हैं। कहने का मतलब यह है कि बेटा किरण प्रकाश की में हम प्रकाश को किरण मानकर क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे जहां भी किरणों का प्रयोग हो रहा है। अब पढ़ा भी है हाई स्कूल में कि इसके अंतर्गत प्रकाश का परावर्तन, वर्ण विच्छेपण आदि घटनाएं होती हैं। नोट कर लीजिए, एक नोट पॉइंट में और एक लिखा दे रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए क्या है कि जो ये सब घटनाएं होती हैं ना, इस घटनाओं के होने का यह कारण है कि जो बेटा प्रकाश की जो वेवलेंथ है, जो प्रकाश की क्या है, वेवलेंथ है। मान लीजिए हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, ये एक पृष्ठ लेते हैं, एक पृष्ठ मान लीजिए एक ये समतल दर्पण है, क्या है बेटा समतल, एक क्या है दर्पण है, समतल दर्पण है। जैसे ही से प्रकाश आ रहा है तो टकरा कर वापस चला जा रहा है, यही आपका क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। ये बेटा आई, ये बेटा आर, हाई स्कूल में ऐसे पढ़ा है। लेकिन ये जो परावर्तन हो रहा है इसका कारण क्या है, परावर्तन ही क्यों हो रहा है, अपवर्तन ही क्यों हो रहा है, वर्ण विक्षेपण क्यों हो रहा है, क्या कारण है, क्यों प्रकाश वापस चला जा रहा है, ये घटनाएं क्यों दर्शा, इसका एक मेन रीजन है। देख लीजिए मेन रीजन क्या है कि बेटा जो प्रकाश की इसकी जो वेवलेंथ है, जो प्रकाश की जो वेवलेंथ है, ये जो दर्पण है आपके सामने, इस दर्पण का जो आकार का जो साइज है, इस दर्पण के जो आकार का जो साइज है, या इस दर्पण की जो वेवलेंथ है, इस प्रकाश की वेवलेंथ से बहुत अधिक है, तभी परावर्तन होगा। कहने का मतलब जिन जिन वस्तुओं में या जिन पृष्ठ में प्रकाश का परावर्तन होता है, उसका यही एक कारण है कि प्रकाश की जो वेवलेंथ है इस दर्पण के वेवलेंथ से क्या है, बहुत कम है। मतलब अर्थात कहने का मतलब दर्पण की वेवलेंथ जो है प्रकाश के वेवलेंथ से कई अधिक है, कई गुना अधिक है, तभी बेटा प्रकाश क्या हो जा रहा है, रिफ्लेक्शन मार जा रहा है। तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट में आप स्टार पॉइंट बना के लिख लीजिए, ये घटनाएं
तभी संभव है, ये घटनाएं तभी संभव हैं जब जब प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जब प्रकाश की तरंग दैर्ध्य उन वस्तुओं के आकार हुआ तरंग दैर्ध्य से कम हो तभी ये घटनाएं होंगी। कहने का मतलब प्रकाश की तरंग दैर्ध्य उन वस्तुओं के आकार व तरंग दैर्ध्य से क्यों जी कम, तभी ये प्रकाश का परावर्तन होगा, अपवर्तन होगा, वर्णविक्षेपण होगा। जी सर, नोट कर लीजिए सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम तरंग दैर्ध्य और तरंग प्रकाश की पढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक है, फिर कल पढ़ेंगे अपना। सभी लोग कल से समय से लाइव हो जाया करिए और कोशिश करेंगे कि हम भी सही समय पर अपना लाइव सेशन चालू हो जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, जो भी इसमें थोड़ा सा जो भी मिस्टेक वगैरह हो तो बताइएगा। पहला दिन है, सपोर्ट करिए और बहुत अच्छा करेंगे। हेजिटेशन भी आती है ना, ठीक बेटा कर लीजिए और बताइएगा। स्कूल में जब आइएगा, कॉलेज में आइएगा, कोचिंग में आइएगा, बताइए क्या दिक्कत है। चलिए, वो तो अपलोड हो जाता होगा ना। अब डालिए बेटा हेडिंग तरंग प्रकाश की, तरंग प्रकाश की। ढक्कन तो लगा दे भाई, जी भाई सी सही है। वेव ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स का मतलब ये है कि बेटा हम यहाँ पर प्रकाश को तरंगों के रूप में पढ़ेंगे। कहने का मतलब अब यहाँ पर प्रकाश जो होगा तरंगों के माध्यम से क्या करेगा, गमन करेगा। तो जब प्रकाश तरंगों के माध्यम से गमन करता है, वहाँ पर जब हम अध्ययन करेंगे प्रकाश के बारे में, वो बेटा तरंग प्रकाश की कहलाती है। क्या कहलाती है? तरंग प्रकाश की परिभाषा इसकी बनती है कि तरंग प्रकाश की भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश को तरंगों के रूप में अध्ययन करते हैं, उसे तरंग प्रकाश की कहते हैं। नोट कर लीजिए सभी लोग, तरंग प्रकाश की भौतिक विज्ञान की तरंग प्रकाश की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश को तरंगों के रूप में अध्ययन करते हैं।
सकते हैं और इसके अंतर्गत व्यतिकरण इंटरफेरेंस बोलते हैं बेटा इंग्लिश में, विवर्तन डिफ्रैक्शन बोलते हैं, ध्रुवण पोलराइजेशन आदि घटनाएं होती हैं। ये तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत बेटा हमारी ये घटनाएं होती हैं, मतलब व्यतिकरण विवर्तन ध्रुवण में जो हमारा प्रकाश होगा वो किनके रूप में चलेगा, तरंगों के रूप में। यहाँ पर हम प्रकाश को तरंगों के रूप में समझते हैं। इसी से क्लियर होता है कि बेटा जो प्रकाश की जो प्रकृति होती है ना, द्वित प्रकृति होती है, प्रकाश कणों के रूप में भी और तरंगों के रूप दोनों में चलता है। यहाँ पर एक नोट पॉइंट ये लिखना है आपको कि जो बेटा व्यतिकरण विवर्तन जो ध्रुवण हो रहा है इसका भी एक कारण है। यहाँ प्रकाश की तरंग दैर्ध्य प्रकाश की बेटा तरंग दैर्ध्य वस्तुओं के आकार व तरंग दैर्ध्य के लगभग बराबर होती है। ओके, नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। ठीक, नोट कर लीजिए। फिर में कर लीजिएगा। ठीक बेटा, आज का बस यहीं तक है। देख लीजिएगा, अच्छा लगे आप बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा, जो कमी हो बताइएगा, सुधारेंगे। पहला दिन है आज का और जो लोगों ने सपोर्ट किया है बहुत बहुत उनको शुक्रिया, थैंक यू। कल से और नया टॉपिक आएगा और उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, प्रकाश के गुण पढ़ेंगे, प्रकाश क्या होता है, किस प्रकार गमन करता है, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे और रिफ्रैक्शन भी पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन वगैरह सब पढ़ेंगे। धीरे धीरे वीडियो और अच्छा होता जाएगा। आज पहला दिन था, जो हुआ अपना किया, सपोर्ट चाहिए बस। चलिए ठीक है, ठीक, गुड नाइट। बच्चे आए थे ऑनलाइन 4-5 जने के।